द होम मिनिस्टर में स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं भरवां करेले। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये खाने में और बनाने में एकदम आसान है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मैंने एक पाव करेले लिए हैं। ये छोटे वाले करेले हैं जो बारिश के मौसम में ज्यादा मिलते हैं। इनमें कड़वाहट भी बहुत कम होती है। तो जब भी आप भरवां करेले बनाने वाले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ये छोटे वाले करेले लें। तो ये मैंने एक पाव लिए हैं। मसालों में मैंने लिया है एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। नमक चाहिए हमें टेस्ट के हिसाब से। दो हरी मिर्च ली है, ये थोड़ी तीखी वाली मिर्च है। 5-6 लहसुन की कली ली है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। ये मैंने सौंफ के दाने लिए हैं, तो आप आधा चम्मच सौंफ के दाने ले लीजिए। इसमें हम नींबू की खटाई डाल रहे हैं। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं या फिर इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं। एक टमाटर लिया है, ये देसी वाला टमाटर है, और एक मीडियम साइज की प्याज ली है। हमें ये हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को पीस लेना है और इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो आप इन तीनों चीजों को पीस लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए। और इसको मैं कुक करने वाली हूँ सरसों के तेल में, इससे ये और भी स्वादिष्ट लगता है। सरसों की जगह आप कोई और भी रिफाइन ऑयल यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने करेलों को छील लिया है और बीज से इस तरह से चीरा लगा लिया है। अगर आपको ज्यादा बीज दिख रहे हैं तो आप बीज को बाहर निकाल लीजिए और इस तरह से इसे काट लीजिए। मैं आपको कट करके भी बताती हूँ। ये देखिए, करेले के छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, इसको हम यूज करने वाले हैं। और ये मैंने एक करेला लिया है जिसका ऊपर और नीचे का भाग काट कर इस तरह से इसे खरचते हुए हम छील लेंगे और बीज से ऐसा कट लगा लेंगे। ये देखिए, चीरा लगा लीजिए। अगर आपको बीज ज्यादा दिख रहे हैं तो उन्हें बाहर निकाल लीजिए। इसी तरह से हमें सारे करेले काट लेना है। तो ये मैं दूसरा करेला भी काट ले रही हूँ सेम तरीके से। अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे करेलों में और सारे करेलों पे हम नमक को अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे मैं थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो के रख रही हूँ। तो ये मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दे रही हूँ और बस इसी तरह से इन्हें नमक और गर्म पानी में डूबे रहने दीजिए। तब तक हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है। इसमें डालेंगे आप 2 चम्मच तेल और तेल जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ये सौंफ के दाने। प्याज को मैंने एकदम बारीक काट लिया है, इसे भी मिला लेंगे। और ये जो हमने करेले के छिलके रखे थे इसे भी ऐड कर लेंगे। बस इन सारी चीजों को हमें थोड़ी देर फ्राई कर लेना है। तो प्याज के साथ हम करेले के छिलकों को भी फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 1-2 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये देखिए, प्याज गोल्डन हो चुकी है, तब मैं इसमें पेस्ट मिला रही हूँ और इसे भी मिक्स कर हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। टमाटर को भी मिला लेंगे। सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लीजिए और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही इसे 1 मिनट के लिए ढककर पका लीजिए। चेक करते हैं, ये देखिए टमाटर भी लगभग गल चुके हैं और सारी चीजें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इसमें हम बाकी के मसाले भी मिला लेंगे। तो ये जितने भी ड्राई मसाले थे ये सारे ऐड कर लेना है हमें और सारी चीजों को मिलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। बस थोड़ा सा इसे भून लीजिए और ये हमारा मसाला तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, मसाला अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे करेलों में स्टफ कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसे मैं स्टफ कर ले रही हूँ। अच्छी तरह से दबाते हुए इसे हम करेले में भर लेंगे और इस तरह से मैंने करेले की स्टफिंग कर ली है। ये देखिए, सारे करेलों पे मसाला भर लिया है। अब सेम कढ़ाई में जिसमें हमने मसाला भुना था उसी में और 2-3 चम्मच तेल डाल लेंगे। फ्रेंड्स, करेले में तेल थोड़ा ज्यादा लगता है तो आप उसी हिसाब से ही तेल लीजिए।
और तेल जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें ये स्टफ किए हुए करेले रखेंगे। मसाला वाला जो पोर्शन है फ्रेंड्स, उसे ऑयल की तरफ रखिए। ये देखिए इस तरह से पलट के रख रही हूं मैं, तो जो मसाला वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहेगा, ऑयल की तरफ। और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो मैंने इसे कवर कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से भुनने दीजिए। चेक कर लेते हैं, अब इसे हम पलट के देख लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक तरफ से कितनी अच्छे से सिक चुका है करेला, आप कलर देख सकते हैं। बस इसी तरह से हम सारे करेलों को पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। तो सारे करेलों को पलटते हुए दोबारा से इसे हम ढक के पकाएंगे। तो इसे कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही 2-3 मिनट तक पकने देते हैं। आप बीच में इसे चेक कर सकते हैं और पलटते हुए इसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है। और ये देखिए, लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे मैंने 5 मिनट तक पकाया है। पलटते हुए इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। अब मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, तो ये आधा नींबू का रस मैं इसमें मिला रही हूँ। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस ये हमारा भरवा करेला बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, जरूर ट्राई करके देखिए। और आपको मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।